चलिए बात करते हैं अबाउट दी जनरल फीचर्स, जनरल करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ग्रुप फाइकोमाइसिटीज, क्लियर। एंड फिर बात करेंगे हम फाइकोमाइसिटीज के दो डिफरेंट क्लासेस की, यानी कि ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ओके, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, वो फंगी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, एक तो वो जिनका माइसीलियम एसेप्टेट है और एक वो जिनका माइसीलियम सेप्टेट है। जिनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, जिनमें एसेप्टेट टाइप का माइसीलियम पाया जाता है, उस ग्रुप ऑफ फंगी को, उस क्लास ऑफ फंगी को हम लोग कहते हैं फाइकोमाइकोटा या फाइकोमाइसिटीज। ओके, और फाइकोमाइसिटीज भी दो क्लासेस में डिवाइडेड होती है, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं अबाउट दी जनरल फीचर्स, जनरल करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। ओके, तो फाइकोमाइसिटीज की जनरल करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं? नंबर वन, पहला फीचर क्या होता है जी इसका, या फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम इज एसेप्टेट। ओके, सो हियर इन मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज देयर माइसीलियम इज एसेप्टेट, माइसीलियम इज एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब सिनोसिटिक कंडीशन। ओके, विद सिनोसिटिक कंडीशन। ओके, यानी कि फाइकोमाइसिटीज वो फंगी है जिनका माइसीलियम एसेप्टेट टाइप का होता है। एसेप्टेट टाइप का मतलब एक ऐसा माइसीलियम जो ऐसे हाइफी से मिलकर बना होता है जिनमें क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होती हैं, जिनमें सेप्टल वॉल्स एब्सेंट होती हैं, ऐसे हाइफा को एसेप्टेट हाइफा कहते हैं। और जब ऐसे एसेप्टेट हाइफी से मिलकर के फंगल बॉडी बनती है, ऐसे माइसीलियम को, ऐसी फंगल बॉडी को एसेप्टेट माइसीलियम कहते हैं, और उस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है जी, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट कंडीशन। सिनोसिटिक का मतलब क्या हो गया जी, मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट कंडीशन। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, ये कोई हाइफा है जी, ठीक है जी, फंगल हाइफा है, और इस फंगल हाइफा में ये रहा जी इसका साइटोप्लाज्म, और इसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है, सेप्टल वॉल्स एब्सेंट है, इसलिए इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। इसलिए सच हाइफा सोज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, क्लियर। और ऐसे ऐसे हाइफा को जिसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है, ये हो गया जी एसेप्टेट हाइफा। क्या हो गया जी, ये एसेप्टेट हाइफा। ओके, और एसेप्टेट हाइफा में क्योंकि क्रॉस वॉल्स एब्सेंट है, सेप्टल वॉल्स एब्सेंट है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। इसलिए इस एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं जी, सिनोसिटिक कंडीशन। और ये दिस इज द यूनिक, दिस इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रुप फाइकोमाइकोटा, फाइकोमाइसिटीज। ओके, सो फाइकोमाइसिटीज का पहला फीचर क्या हो गया जी, दैट दीज आर देयर माइसीलियम इज एसेप्टेट, क्लियर, देयर माइसीलियम इज एसेप्टेट। ओके, इसका दूसरा फीचर क्या हो गया जी, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके, इन फंगी के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, दैट टेक्स प्लेस बाय ईदर बाय जूस्पोर्स, ईदर बाय जूस्पोर्स या फिर और बाय एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स। यानी कि इन फंगी में, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। कौन से स्पोर्स, जूस्पोर्स के द्वारा या फिर एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा, क्लियर। ये जूस्पोर्स क्या होते हैं, ये जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स में दोनों में डिफरेंस क्या है, जूस्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल स्पोर्स, जबकि एप्लेनोस्पोर्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। ओके, एक बार मैं आपको फिर बताता हूं, जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स क्या है, दीज आर दी स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, क्लियर। एंड व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स, जूस्पोर्स आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स,
व्हाइल एप्लैनर स्पोर्स आर नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स, क्लियर। एंड ज़ूस्पोर्स आर नेकेड, ज़ूस्पोर्स आर नेकेड यानी कि इनमें वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, दीज आर नेकेड स्ट्रक्चर्स। और जबकि एप्लैनर स्पोर्स आर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स, कैसे हैं जी ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स है। तो ये क्या है डिफरेंसिस बिटवीन द ज़ूस्पोर्स एंड एप्लैनर स्पोर्स, क्लियर। बट दोनों ही एंडोजीनियस स्पोर्स हैं, दोनों ही कैसे स्पोर्ट्स हैं, एंडोजीनियस स्पोर्ट्स हैं। एंडोजीनियस का मतलब बोथ स्पोर्ट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल्स, देयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स, एंड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल्स व्हिच आर फॉर्म्ड इंट्रासेल्युलरली, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एंडोजीनियस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सो ज़ूस्पोर्स और एप्लैनर स्पोर्ट्स बोथ आर एंडोजीनियस स्पोर्ट्स, क्लियर। बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ओके। इन फाइकोमाइसिटीज के अंदर, इन द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, बट दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी आइसोगैमस टाइप और हेटरोगैमस टाइप, दैट सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी इधर आइसोगैमस टाइप और हेटरोगैमस टाइप, ओके। या तो ये आइसोगैमस टाइप का होता है जी, या फिर ये हेटरोगैमस टाइप का होता है, हेटरोगैमस टाइप का होता है, ओके। बात करते हैं आइसोगैमस टाइप ऑफ एसेक्सुअल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आइसोगैमस से मतलब है मेरा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन बिटवीन द टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स, ओके। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हो, तो ऐसे गैमेट्स को हम होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स कहते हैं, ओके। एंड व्हेन फ्यूजन बिटवीन सच होमोगैमेट्स, व्हेन फ्यूजन बिटवीन सच आइसोगैमेट्स टेक्स प्लेस, दैट फ्यूजन दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड आइसोगैमी, और ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन फाइकोमाइसिटीज के अंदर आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और हेटरोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हेटरोगैमस का मतलब व्हेन फ्यूजन बिटवीन द टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स टेक्स प्लेस, जब दो गैमेट्स और मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो, ऐसे मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स के फ्यूज में के बीच में होने वाले फ्यूजन को हम बोलते हैं होमोगैमी, क्या बोलते हैं हेटरोगैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हेटरोगैमी, क्लियर। ऐसे गैमेट्स को हम हेटरोगैमेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी हेटरोगैमेट्स, और जब हेटरोगैमेट्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो तो उसको हेटरोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्लियर। और ये हेटरोगैमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी दो टाइप का होता है, या तो होता है जी ये एन आइसोगैमस टाइप, ओके, और या होता है जी ये गैमस टाइप, ओके। एन आइसोगैमस और ऊ गैमस, एन आइसोगैमस का मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट्स देखने में मीन उनकी जो स्ट्रक्चर है उनका जो शेप है वो तो सिमिलर है, एक जैसा है, बट उनकी साइज डिफरेंट है, एक तो साइज में बड़ा है और दूसरा साइज में छोटा है, क्लियर। सो ऐसे गैमेट्स को हम बोलते हैं एनआइसोगैमेट्स, क्लियर। सो एनआइसोगैमेट्स का मतलब वो गैमेट्स जिनका शेप जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है बट उनकी साइज डिफरेंट है, ऐसे गैमेट्स को एनआइसोगैमेट्स बोलते हैं, और जब एनआइसोगैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है तो उसको एनआइसोगैमी कहते हैं, और जब एनआइसोगैमी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको एनआइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहां फाइकोमाइसिटीज में आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और एन आइसोगैमस टाइप का भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और दूसरा है जी ऊगैमस, ऊगैमस क्या है, ये भी एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें मेल गैमेट तो साइज में छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज बट फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं, बट जो फीमेल गैमेट होता है वो साइज में बड़ा होता है, नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, ऐसे गैमेट्स को हम लोग ऊगैमेट्स बोलते हैं, ऐसे गैमेट्स के बीच में होने वाले फ्यूजन को हम ऊगैमस फ्यूजन कहते हैं, ऊगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्लियर।
ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहां इन मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, बट दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस इधर बाई आइसोगैमस टाइप और बाई हेट्रोगैमस टाइप, हेट्रोगैमस मॉड। ओके, एंड हेट्रोगैमस भी दो प्रकार से होती है इनमें, या तो एनआइसोगैमस प्रकार से या फिर ऊगैमस तरह से। ठीक है जी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ द फाइकोमाइसिटीज, और अब हम बात करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऊमाइसिटीज। क्लियर, ऊमाइसिटीज। ओके, सो ऊमाइसिटीज के फीचर क्या होंगे जी, इसकी हम बात कर लेते हैं। ऊमाइसिटीज के, ऊमाइसिटीज, ओके। सो इनका पहला फीचर क्या होगा जी, यहां भी हम वही लिखेंगे, माइसीलियम इज एसेप्टिक। ओके, माइसीलियम इज एसेप्टिक। मैं फिर आपको बताता हूं एसेप्टिक का मतलब सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन। ओके जी, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है जी ऊमाइसिटीज का, दूसरा फीचर है यहां पर जो इनकी सेल वॉल होती है जी। ओके, हेयर इन केस ऑफ ऊमाइसिटीज जो सेल वॉल होती है, कुछ फंगी में तो ये सेल वॉल केवल सेल्यूलोज की और कुछ ग्लूकन्स की बनी होती है, और कुछ फंगी में ये सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल वॉल ऑफ ऊमाइसिटीज इन सम फंगी इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड सम अदर ग्लूकन्स, सम अदर ग्लूकन्स, और कुछ फंगी में सेल वॉल बनी होती है, व्हाइल इन सम अदर फंगी द सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ काइटिन, सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ काइटिन, जिसको कि हम लोग फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। क्लियर, ओके। बात करते हैं जी इनके हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी यहां ऊमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया, इट टेक्स प्लेस बाय स्पोरेंजिया, याद रखेंगे आप लोग स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया क्या है जी, स्पोरेंजिया आर स्मॉल बैलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स। क्लियर, एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को, उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया की हेल्प से ऊमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर, और ऊमाइसिटीज में जो मेंबर्स, जो फंगी एक्वेटिक होती हैं, क्या होती है एक्वेटिक, उन एक्वेटिक फंगी में ये स्पोरेंजिया जू स्पोरेंजिया बनाता है। ओके, सो इन एक्वेटिक मेंबर्स, इन एक्वेटिक फंगी ऑफ द ग्रुप ऊमाइसिटीज दिस स्पोरेंजिया प्रोड्यूस जू स्पोर्स। ओके, सो इन एक्वेटिक फंगी, इन एक्वेटिक फंगी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस जू स्पोर्स, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस जू स्पोर्स। ठीक है जी, ओके। और अब हम पहले बात करते हैं जू स्पोर्स की। यहां जो जू स्पोर्स होते हैं जी, ये जो जू स्पोर्स है ये कैसे स्पोर्स है, दीज आर दी बाई फ्लैजिलेट स्पोर्स। ये बाई फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और अगर इनके अंदर फ्लैजिला है तो ये कैसे है जी, ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स है। कैसे स्ट्रक्चर्स है जी, ये
मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, एंड जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जू स्पोर्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम लोग जू स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं जी? जू स्पोरेंजिया। क्लियर? ओके। एंड ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब क्या होते हैं जी? विदाउट वॉल, विदाउट वॉल लाइक स्ट्रक्चर। एंड दीज जू स्पोर्स डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, दिस डू नॉट कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल्स। क्लियर? और ये जो जू स्पोर्स होते हैं मैंने बताया आपको बाइफ्लैजिलेट होते हैं। बाइफ्लैजिलेट का मतलब इनमें दो फ्लैजिला होते हैं और ये जो दो फ्लैजिला होते हैं दोनों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसलिए इस फ्लैजिलेशन को हम हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, फ्लैजिलेशन। यानी कि फाइमाइसिटीज में जो जू स्पोर्स बनते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, उनमें दो फ्लैजिला होते हैं, बट ये दोनों फ्लैजिला डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं, और ऐसे फ्लैजिलेशन को हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन कहते हैं। हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो ये जू स्पोर है, यहां पर ये दो फ्लैजिला है। कितने फ्लैजिला है जी? दो फ्लैजिला है। देखिए, एक फ्लैजिला तो स्मूथ है और दूसरा फ्लैजिला के सरफेस पर बहुत सारे फाइन आउटग्रोथ्स प्रेजेंट है, फाइन आउटग्रोथ्स प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया जी क्या? दिस इज दी स्मूथ फ्लैजिलम, दिस इज दी स्मूथ फ्लैजिलम। और ये जो फ्लैजिलम है दूसरा, जिसके ऊपर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फाइन आउटग्रोथ्स हैं, ये जो फाइन आउटग्रोथ वाला फ्लैजिलम इसको बोलते हैं टाइंसिल टाइप फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टाइंसिल टाइप फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टाइंसिल टाइप फ्लैजिला। ये टाइंसिल टाइप फ्लैजिला के सरफेस पर फाइन सरफेस आउटग्रोथ्स होती हैं, बहुत सारी फाइन सरफेस आउटग्रोथ्स होती हैं, और ये जो सरफेस आउटग्रोथ्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग मेस्टिगोनीम्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? मेस्टिगोनीम्स। क्या बोलते हैं जी? मेस्टिगोनीम्स। समझ गए? सो ऐसे फ्लैजिलेशन को जिसमें दोनों फ्लैजिला एक दूसरे से डिफरेंट है उसको बोलते हैं हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। तो यहां ऊमाइसिटीज के जू स्पोर्ट्स में हेटेरोकॉन्ट कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए अभी हम बात करेंगे आपके दूसरे स्पोर की, दैट इज देखिएगा ध्यान से आप लोग, स्पोरेंजिया। सो मैंने आपको क्या बताया जी यहां पर कि ऊमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोरेंजिया की हेल्प से। स्पोरेंजिया छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्वेटिक फंगी में तो ये स्पोरेंजिया जू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बट इन टेरेस्ट्रियल फंगी, इन टेरेस्ट्रियल फंगी, यहां जो ऊमाइसिटीज के टेरेस्ट्रियल मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में ये स्पोरेंजिया डायरेक्टली स्पोर की तरह बिहेव करते हैं। ईच स्पोरेंजियम डायरेक्टली बिहेव्स एज अ स्पोर, एज अ स्पोर। ओके, लेट आई टेल यू अगेन चिल्ड्रन, हेयर इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल फंगी ईच स्पोरेंजियम बिहेव एज अ स्पोर, ईच स्पोरेंजियम बिहेव्स एज अ स्पोर। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पर ईच, या फिर आप ये भी लिख सकते हो स्पोरेंजिया बिहेव एज, ओके, स्पोरेंजिया बिहेव एज स्पोर्स, ये स्पोर्स की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, सर्व करते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं यहां पर, दिस स्पोर्स आर इक्विवेलेंट टू कोनिडिया, इक्विवेलेंट टू कोनिडिया। ओके, इसीलिए इन स्पोरेंजिया को
टेरेस्ट्रियल फंगी में, इसीलिए इन स्पोरेंजिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कॉनिडियो स्पोरेंजिया कहते हैं, कॉनिडियो स्पोरेंजिया कहते हैं। क्यों, मैं फिर से बताता हूं कि इन यहां पर ओमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजिया के द्वारा होता है, एंड स्पोरेंजिया आर दी स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, एंड इन केस ऑफ एक्वेटिक फंगी दीज स्पोरेंजिया प्रोड्यूस जूस स्पोर्स, वाइल इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल फंगी दीज स्पोरेंजिया बिहेव एज सर्व एज एक्ट एज स्पोर्स, एंड दीज स्पोर्स आर इक्वलेंट टू दी कॉनिडिया स्पोर्स, देयरफॉर इन स्पोरेंजिया को हम लोग यहां पर कॉनिडियो स्पोरेंजिया भी कहते हैं। क्लियर, ओके। बात करते हैं हम लोग अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ओके। लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, यहां पर ओमाइसिटीज में फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आर जस्ट एब्सेंट, ओके। हियर फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आर जस्ट एब्सेंट, ओके। हेयर इन केस ऑफ ओमाइसिटीज, हेयर इन केस ऑफ ओमाइसिटीज द फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आर एब्सेंट, यहां पर फ्लैजिलेटेड मोटाइल गैमेट्स नहीं होते। क्लियर, और यहां पर फिर एसेक्स, और यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, बाय गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर मेल गैमिटेंजियम और फीमेल गैमिटेंजियम बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दोनों के बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाती है, और उस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट, मेल न्यूक्लियस कहां पर ट्रांसफर होता है जी, फीमेल सेक्स ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाता है, और ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं जी गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। सो यहां पर ओमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, और गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट का मतलब बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। आपको पता है फंगी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रिडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को उगोनियम को कहते हैं, तो यहां पर एंथ्रिडियम और उगोनियम दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और दोनों के बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, और उस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू मेल गैमिट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर, और बाद में फिर क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट फीमेल गैमीट और मेल गैमीट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है जी, सो हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओमाइसिटीज टेक्स प्लेस बाय गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, और यहां पर ओमाइसिटीज में जो सेक्सुअल प्रोडक्ट होता है, जो सेक्सुअल प्रोडक्ट होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यहां पर गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के बाद जो नया प्रोडक्ट बना, जो जायगोट बना, उसको बोलते हैं जी हम लोग ऊस्पोर। क्या बोलते हैं जी उसको हम लोग, ऊस्पोर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऊस्पोर, ओके। एंड ऊस्पोर इज व्हाट, ऊस्पोर इज अ थिक वॉल्ड जायगोट, ध्यान रखेंगे, ऊस्पोर इज व्हाट, ऊस्पोर इज अ सेक्सुअल प्रोडक्ट इन ओमाइसिटीज, ओके, दैट इज फॉर्मड ड्यूरिंग द गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, ओके। अब ये जो ओस्पोर है क्या एग्जैक्टली, ओस्पोर इज अ थिक वॉल्ड जायगोट, ये जायगोट किससे बना है, फ्रॉम द ओस्फियर, ओस्फियर क्या, फीमेल एग सेल, फीमेल एग सेल कहां प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि ओगोनियम के अंदर, सुनेंगे ध्यान से, ओगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू मेल गैमिट आया, और वो मेल गैमिट ओगोनियम के अंदर प्रेजेंट एग सेल के साथ फ्यूज करता है, यहां उस एग सेल को ओस्फियर कहते हैं, क्या बोलते हैं जी, ओस्फियर। तो ओस्फियर और मेल गैमिट के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक जायगोट बना, और उस जायगोट के चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है, और ऐसे थिक वॉल्ड जायगोट को ओस्पोर कहते हैं। क्लियर, ओके। बात करते हैं अब इसके एग्जांपल्स की, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ ओमाइसिटीज, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ ओमाइसिटीज। क्लियर,
एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। ओके फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस। ओके दूसरा एग्जाम्पल है इसका एल्ब्यूगो कैंडिडा। तीसरा एग्जाम्पल है जिसका पाइथियम डीबेरिलियम, डीबेरियलम, पाइथियम डीबेरियलम। ठीक है जी। सो दीज आर दी थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ ऊ माई सिटीज, क्लियर। एंड ये जो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस है ये पोटैटो और टोमेटो के अंदर एक डिजीज कॉज करता है, उस डिजीज को बोलते हैं जी लेट ब्लाइट। इट कॉजेज लेट ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो एंड टोमेटो। ओके दिस फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस कॉजेज अ डिजीज इन पोटैटो एंड टोमेटो, दैट इज कॉल्ड लेट ब्लाइट डिजीज। और लेट ब्लाइट डिजीज में क्या होता है कि टोमेटो और पोटैटो के जो लीव्स होते हैं उन लीव्स के मार्जिन्स और टिप्स पर, एपिकल पार्ट्स पर एक ब्राउन ब्लैक, एक ब्राउन ब्लैक स्पॉट से बनने लगते हैं, ब्राउन ब्लैक डेड एरियाज बनने लगते हैं, जो बाद में पूरे के पूरे लीफ को कवर कर लेते हैं। मार्जिन से शुरू होते हैं, धीरे धीरे पूरे लीफ को ब्राउन ब्लैक डेड बना देते हैं। ओके सो ब्राउन ब्लैक डेड एरियाज अपीयर From appear on the margins and tips of the leaves of potato and tomato, it means that these plants are infected with late blight disease, jinka positive agent hota hai Phytophthora infestans. Okay, ek albugo candida bhi ek pathogenic fungal hai. Ye crucifers ke andar ek disease cause karti hai. It causes a disease in crucifers. Kin mein cause karti hai ji? Crucifers mein. Jiska naam hai ji white rust. Disease ka naam kya hai ji? White rust disease. It causes a white rust disease in crucifers. Crucifers are what? जैसे कि सरसों वगैरह, right? और Pythium dibarianum, dibarianum ये भी एक disease causing fungus है Oomycetes group की। और ये क्या cause करता है? It causes a dumping of disease. It causes a डैम्पिंग ऑफ डिजीज, डैम्पिंग ऑफ डिजीज। क्लियर? ओके बहुत सारे जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज इन सीडलिंग्स ऑफ मैनी प्लांट्स, सीडलिंग्स ऑफ मैनी प्लांट्स। छोटे छोटे जो सीडलिंग्स होते हैं उन सीडलिंग्स का स्टेम एकदम से कॉलेप्स होकर नीचे गिर जाता है बेस से, जस्ट फ्रॉम द बेस अबव द सॉइल, वहां से वो ऐसे गिर जाता है छोटे छोटे सीडलिंग्स। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजीज, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑफ। किसके द्वारा होती है वो? पाइथियम डीबेरियलम। ओके एक और इसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स है जो एक और डिजीज कॉज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी mildew. Downy mildew is a disease that is caused by some members of Oomycetes. कौन से प्लांट्स में? Like onion, like spinach, like peas, like mustard. इन प्लांट्स के अंदर downy mildew नाम की डिजीज होती है, किनके द्वारा? By some members of Oomycetes. Okay. So this is all about the general characteristics features of Phycomycetes and Oomycetes. Thank you.